And welcome to DM but group tuition, a place for all the rankers. आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ड्यूटी के बारे में. आगे के कई वीडियोस में हम लोगों ने बात की हुई है फंडामेंटल राइट्स के बारे में. अगर राइट्स है तो ड्यूटीज भी है, तो हमें इस वीडियो में उसी ड्यूटीज के बारे में बात करना है. अब ये जो कोई भी ड्यूटी है वो ऐड कब हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जब भी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो वन बाय वन ड्यूटीज हैं. लेकिन ड्यूटीज के पहले भी हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो कौन सी लाइन हमें लिखनी चाहिए? तो यहाँ पे हम पहली वाली लाइन यही लिखेंगे कि द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स वेर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976. तो सबसे पहले समझ लीजिए कि 1976 में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को तय की गई हुई थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई कब से, तो एब्सोल्युटली 1976 से. किसके द्वारा की गई? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा की गई. तो जब भी आप फंडामेंटल ड्यूटीज वाला आंसर लिख रहे हो तो सबसे पहले लाइन आपकी यही आनी चाहिए. आई एम गोना रिपीट दैट. इफ यू वांट राइट डाउन इन योर नोटबुक, यू कैन इवन राइट डाउन दैट. सो पॉज द वीडियो, ब्रिंग द नोट एंड पेन एंड यू कैन राइट इट डाउन लाइक दैट. चलिए शुरू करते हैं. द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स वेर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन by Constitutional Amendment Act 1976. बस यहीं से हमें जवाब की शुरुआत करनी होगी. और उसके बाद तो ये जब भी ये जो कोई भी हमें ड्यूटीज दी गई है वो सभी ड्यूटीज के बारे में हमें डिटेल में बताना ही पड़ेगा. तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन. सबसे पहली ड्यूटी अपनी कौन सी है? तो सबसे पहली ड्यूटी है to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem. सबसे पहले आप समझ लीजिए कि संविधान का पालन करना हमारी एक बेसिक ड्यूटी है. जो कोई भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने हमें इतने सारे राइट्स दिए हैं, तो उसका पालन करना हमारी फर्ज में आता है. ओके, इट इज अवर ड्यूटी, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, और उसके अलावा उसमें जितने भी आदर्श यानी कि आइडियल्स दिए गए हैं संस्थाओं कुछ संस्थानों के बारे में या राष्ट्रगीत या राष्ट्रध्वज के बारे में, तो उन सभी को, राष्ट्रीय गीत हो या राष्ट्रीय ध्वज हो, इन सभी को हमें मान देना ही चाहिए. तो ये सबसे पहली अपनी फंडामेंटल ड्यूटी है. नंबर दो, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. सबसे बढ़िया वाली बात, ओके, कि अपना जो स्वातंत्र का जो संग्राम हुआ था ना, वो स्वातंत्रता के संग्राम में अमुक विचारधाराएं थी जो काफी प्रेरणादायक थी. तो जो विचारधाराएं थी जो प्रेरणादायक थी, वो सभी विचारधाराएं जो प्रेरणादायक थी उनको मान देना चाहिए और उनको फॉलो भी करना चाहिए. क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति यानी अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपने को ये वैल्यूएबल फ्रीडम दिए हैं. तो सही में जो भी उनकी जो वैल्यूज थी, जो भी उनके आइडियल्स थे, वो आइडियल्स काफी इंस्पायरिंग थे. तो सभी आइडियल्स को हमें फॉलो करना चाहिए. ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है. नंबर तीन, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. नंबर तीन, भारत का जो सार्वभौमत्व है या एकता है भारत की, जो अखंडितता है भारत की, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए. और किसी भी कीमत पे हमारा जो सार्वभौमत्व है, एकता है और जो अखंडितता है ना, उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है. तो वो चीज भी हमें तीसरी ड्यूटी में बताई गई है. नंबर चार, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस When called upon to do so. सही में ये तो करना ही चाहिए कि अगर हर बार हमें जब देश की जरूरत थी तो देश हमारे साथ था. लेकिन इतना जरूर से याद रखिएगा कि जब भी कभी देश को आपकी जरूरत हो तो देश के एक कॉल पे, देश के
एक बुलावे पे हम सबको पहुंच जाना चाहिए, ये अपनी ड्यूटी है और ये अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए या कोई भी ड्यूटी समझ लीजिए। भारत को हम माता गिनते हैं, राइट, तो भारत माता के प्रति अपनी ये ड्यूटी बनती ही है कि अगर देश को हमारी ज़रूरत है तो हमें जाना ही चाहिए। हम सबसे पहले इस देश को बिलोंग करते हैं, फिर बाद में जाके हम अपने फैमिली या दोस्तों को बिलोंग करते हैं। तो जब भी देशन अपने को कॉल करे, हमको सबसे पहले दौड़ कर पहुंचना चाहिए। नंबर 5, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियन और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमैन। बढ़िया वाली चीज है, ये हमें जरूर से करना चाहिए। ओके, कि जितने भी इंडिया के लोग हैं उन सभी को एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड से रहना चाहिए। ओके, भाईचारे की जो भावना है वो हमें डेवलप करनी चाहिए। ओके, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजियन का हो, किसी भी धर्म का हो, हमको भाईचारे से ही रहना है। क्यों? इंडिया छोड़ के ना तुम जा सकते हो ना हम जा सकते हैं यार, अपना देश है, और जाओगे तो यहीं वापस लौट के आओगे, तो इंडिया को छोड़ के कहाँ जाओगे? सिंपल लॉजिक इज दिस। तो हम लोगों को अगर यहां यूनिटी में रहना है, इंटीग्रिटी में रहना है, तो सबसे पहले हमें भाईचारे को डेवलप करना चाहिए, और ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए जिससे ये भाईचारे की भावना आहत हो। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजों में हम लोगों को सुवादिता यानी कि एक एडजस्टमेंट करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, उसे एस्टैब्लिश भी करना चाहिए। और जो कोई भी ऐसी चीज हो, ओके, जो स्त्रियों के या विमेन के गौरव को ठेस पहुंचाते हो, ओके, स्त्री के मान सम्मान को जो ठेस पहुंचाते हो, ऐसे व्यवहारों का हमें त्याग करना चाहिए। ऐसे व्यवहार कभी भी हमें हमारे दिमाग में लाने नहीं चाहिए जो प्रिजर्व ना करते हो विमेन डिग्निटी को, उनके मान सम्मान को अगर ठेस पहुंचती है तो ऐसा कोई काम ना करो जिससे इंडिया की स्त्रियों की मान सम्मान को ठेस पहुंचे। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कॉम्पोसाइट कल्चर। ओके, अपना जो कोई भी कल्चर है, ओके, वो कल्चर कैसा है, तो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड कल्चर। ओके, तो अपना जो रीच और इंटीग्रेटेड हेरिटेज है, कॉम्पोसाइट जो हेरिटेज है अपना, तो उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है समग्र। ओके, समग्र कल्चरल हेरिटेज बोल दो, नेचुरल हेरिटेज बोल दो, हेरिटेज की डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उन सभी चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए? प्रिजर्वेशन करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए उन सारी की सारी चीज़ों की। चलिए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। सबसे पहले तो हमारे जो नेचुरल हेरिटेज है जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, सभी को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। उन दुनिया में या इंडिया में उनकी भी ज़रूरत इतनी ही है जितनी ज़रूरत हमारी दुनिया में या हमें या हमारी इंडिया में है, उतनी ही ज़रूरत फॉरेस्ट और लेक्स की भी है। ओके, उसके अलावा जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उन सभी के लिए हमें कंपैशन, एक करुणा होनी चाहिए, एक प्रेम भाव, एक सद्भावना हमें उन लोगों के प्रति होनी चाहिए। नंबर 8, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनरिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। नंबर 8 पे अगर देखा जाए तो हमें हर एक चीज में वैज्ञानिक अभिगम रखना चाहिए, मानवतावाद रखना चाहिए, ओके, दैट इज कॉल्ड ह्यूमनरिज्म। ओके, और उसके अलावा शोध वृत्ति, ओके, जो रिसर्च प्रवृत्ति जो होती है उसे शोध वृत्ति बोलते हैं, तो शोध वृत्ति को हमें बढ़ावा देना चाहिए। किसी भी चीज में हमें साइंटिफिक अप्रोच रखना चाहिए, ओके, ह्यूमैनिटी यानी कि मानवतावाद रखना चाहिए, और हमेशा हमें हमारी शोध वृत्ति
बुद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। आठ नंबर का पॉइंट हमें यही सिखाता है, आगे बढ़ने की सोच ये आठ नंबर के पॉइंट में ही है। साइंटिफिक अप्रोच की बात आठवें नंबर के पॉइंट में ही की गई है। नंबर नौ, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायोलेंस। हमें क्या करना चाहिए, तो जितनी भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज है, आफ्टरऑल वो हमारे टैक्स के पैसों से ही, अपने नेशन के पैसों से ही, यानी अपने पैसों से ही बनाई हुई है। यार जिस चीज में अपने पैसे लगे हो, अपने देश के पैसे लगे हो, अपने देशवासियों के पैसे लगे हो, किस तरह से आप तोड़फोड़ कर सकते हो उसको, ओके? नहीं, आपको उसे सेफ गार्ड करना है। और सेकेंडरी थिंग इज कि जो वायोलेंस है, ओके, जो हिंसा है, उसका हमें त्याग करना चाहिए। नंबर 10, वी आर गोइंग फॉर टू स्ट्राइव टॉवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। बहुत ही हैवी हैवी बातें यहाँ पे की गई है। यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक इंडिविजुअल को, यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। व्यक्तिगत भी करना चाहिए, सामूहिक भी करना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअली काम करते हो देश के प्रति, करना चाहिए। आप सब मिलजुल कर देश के प्रति काम करना चाहते हो, या ऐसी कोई क्रिया है जिसमें मिलजुल कर देश का भला कर सकते हो, तो हमें उस प्रवृत्ति में या उस एक्टिविटी में भी ज्वाइन होना चाहिए। तो व्यक्तिगत और सामूहिक पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। किस लिए? ताकि हम उत्कृष्टता अपनी सिद्ध कर सके, हम अपनी सुपरलेटिव जो फॉर्म है अपना, उसे हम सिद्ध कर सके, अपने जो अचीवमेंट, अपने जो एम, अपने जो गोल्स नक्की किए हुए हैं, उन सभी को अच्छी तरह से हम अचीव कर सके। और उसे अचीव करने के लिए हमें हमेशा ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। कंप्लीटली एंडेवर्स, हमारे ट्राइंग्स, हमारे अटेम्प्ट्स में बिल्कुल कमी नहीं रहनी चाहिए। तो हमारे अटेम्प्ट से ही अपना देश प्रगति के पंथ पर जा सकेगा, या प्रगति के नए आयाम, नए शिखर सर कर पाएगा, जब हम इंडिविजुअली या फिर सबके साथ मिलके सामूहिक प्रयत्न करते हैं अगर नेशन को आगे ले जाने के लिए, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। चलो, हु इज अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years, ओके? इतना हमें हमेशा ही याद रखना है कि जो हमारी बच्चे हैं, जो हमारे नेशन के बच्चे हैं, वही आगे जाके नेशन का फ्यूचर बनने वाले हैं, ओके? तो जितने भी बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना चाहते हैं, ओके? तो उनको एनकरेज करना चाहिए, ओके? चाहे वो कहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, किसी भी रिलीजियन में मानते हो, अगर उनका बच्चा 6 साल के 14 साल की उम्र का है, तो उसे पढ़ाई का बढ़ावा देना ही चाहिए। बच्चों को पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करना ही चाहिए, और पेरेंट्स को भी इस दिशा में एनकरेज हमें करना ही है, और 100% लिटरेसी हमें इंडिया में लानी ही चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें सिद्ध हो गई, तो इंडिया को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो दीज आर दी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। व्हेनेवर यू आर आस्क्ड अबाउट अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, या यू मे बी आस्क अ क्वेश्चन फॉर 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स, डिपेंड्स ऑन योर टीचर, बट व्हेनेवर यू आर आस्क्ड अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर सपोज टू राइट इट डाउन लाइक दिस, बट डोंट यू फॉरगेट दैट यू मस्ट स्टार्ट द आंसर that I told you in that manner. Again, I'm going to speak that you are supposed to start the answer with these lines. The fundamental duties of the citizens were added in the Constitution by Constitutional Amendment Act 1976. इतना आप लिखोगे, उसके बाद ही जितना भी मैंने वीडियो में दिखाया है, जितना भी मैंने 2 स्लाइड्स में दिखाया, वो सारी की सारी, यानी कि वो 11 के 11 पॉइंट्स आपको अंदर इंक्लूड करने हैं। अगर कर दिए, समझ लो 3 मार्क आपकी जेब में चले गए। हियर डीएम सर साइनिंग ऑफ। थैंक्स, बाय।